रीवर राजकुमारी मोहिना सिंह सहित उनके ससुर उत्तराखंड के सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, सास पूर्व मंत्री अमृता राव सहित स्टाफ के 22 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। कोरोना की चपेट में रीवा की राजकुमारी मोहिना सिंह का परिवार, जिनकी शादी हाल में ही उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज के बेटे के साथ हुई थी, देखिए यह रिपोर्ट। कोरोना वायरस ने देश ही नहीं पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। क्या बड़े छोटों तक को इसमें अपनी गर्भ में ले रखा है। देश विदेश में राजाओं से लेकर रंग तक को इसने नहीं छोड़ा। जी हां, इन सब को छोड़िए, हम बात करते हैं रीवा रियासत के राजघराने की। हम आपको बता दें, रीवा रियासत की राजकुमारी मोहिना सिंह, जिनकी हाल में ही शादी उत्तराखंड में प्रतिष्ठित घराने सतपाल महाराज के बेटे के साथ हुई थी, इस समय उनका पूरा परिवार कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। यहां पर हम आपको ये भी बता दें, इसके पूर्व सतपाल महाराज की पत्नी पूर्व मंत्री अमृता राव, जो पिछले दिनों उत्तराखंड से दिल्ली गई थी, वहीं पर इनको कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ था, जिसकी रिपोर्ट 30 मई शनिवार को आ गई थी। उसमें वो पॉजिटिव पाई गई। इसी के साथ सतपाल महाराज के पूरे परिवार की जब जांच की गई तो चौंकाने वाले परिणाम आए। सतपाल महाराज, उनके बेटे, उनकी बहू रीवा राजकुमारी मोहिना सिंह सहित 5 साल का पोता, लगभग 22 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं बड़े बेटे की जांच की रिपोर्ट दोबारा भेजी गई है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से जुड़े करीब 41 लोगों की जांच रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें से लगभग 22 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। यहां पर काबिले गौर है, सतपाल महाराज ने शुक्रवार को उत्तराखंड के कैबिनेट की बैठक में भी हिस्सा लिया था। सतपाल महाराज के सर्कुलर रोड डालनवाला स्थित आवास सहित आसपास का पूरा क्षेत्र, पूर्व का करजन रोड, पश्चिम में अब्दुल खान का मकान, उत्तर में अमित अग्रवाल का मकान, दक्षिण में मिनिस्ट्रियल रोड सहित पूरा इलाका सील कर दिया गया है। इस दौरान बैंक सहित सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। जरूरी चीजें सरकार लोगों को उपलब्ध कराएगी। जी हां, इस बात की पुष्टि देहरादून के कलेक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने भी कर दी है। सभी को एम्स में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के घर के बाहर क्वारंटाइन का स्टिकर भी चिपका दिया गया है। लेकिन जैसे ही यह खबर रीवा पहुंची, पूरे रीवा में केवल इसी बात की चर्चा चारों ओर हो रही है। न्यूज नेटवर्क की टीम ईश्वर से प्रार्थना करती है सतपाल महाराज का परिवार जल्द से जल्द कोरोना वायरस के संक्रमण से बाहर निकलकर स्वस्थ होकर हमारे बीच पूर्व की तरह आए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।